नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है रांची बनारस एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि हफ्ते में 5 दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है रांची बनारस एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका ट्रेन नंबर है 18611। ये जो ट्रेन है रांची जंक्शन झारखंड से हर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को बनारस उत्तर प्रदेश के लिए चलती है। और रांची जंक्शन से बनारस की जो दूरी है 13 घंटे 15 मिनट में कवर करती है। ICF कोचेज वाली ट्रेन है। टोटल इसके 25 स्टेशन हैं और 575 किलोमीटर की दूरी जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 43 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। और ये जो ट्रेन है इसमें 3rd AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। तो अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो मैं जो अभी आपको रांची बनारस एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो रांची जंक्शन से बनारस उत्तर प्रदेश तक का बताऊंगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। 3rd AC और स्लीपर क्लास में आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। जनरल डिब्बों में आप जनरल टिकट ले सकते हैं। 3rd AC की बात करें तो रांची से बनारस तक का किराया है 910 रुपये, जिसमें 826 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है। GST चार्ज 44 रुपये है। टोटल किराया 910 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है। फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएंगे। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के तकरीबन 6 कोच हैं, जजिसका टोटल टिकट किराया जो है वो है 335 रुपये, जिसमें 315 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। टोटल टिकट किराया 375 रुपये है। ये अपडेटेड 335 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है। फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। जनरल डिब्बों के तकरीबन 5 कोच हैं। 1 कोच इंजन की तरफ लगा है और 4 कोच ट्रेन के पीछे की तरफ, जिसका टिकट किराया लगभग 180 रुपये के करीब है। ये जो मैं अभी आपको किराया बताया ये रांची से बनारस तक का है। फिर भी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं रांची बनारस एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। रांची बनारस एक्सप्रेस ट्रेन जो है रांची जंक्शन झारखंड से हफ्ते में 5 दिन हर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को रात को 8:10 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 13 घंटे 15 मिनट बाद बनारस में अगले दिन सुबह 9:25 पर पहुंच जाती है। जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है मूरी जंक्शन झारखंड। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 9:05 पर पहुंचती है और 9:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। रामगढ़ कैंट रेलवे स्टेशन पर रात के 10:05 पर पहुंचती है और 10:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 113 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है RMT। इसके बाद बरखा खाना जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 10:50 पर पहुँचती है और 11 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 118 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है रेलवे स्टेशन पर रात के 11:34 पर पहुंचती है और 11:36 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। खलारी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है रात के 11:35 पर पहुंचती है और 11:47 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है तोरी जंक्शन में रात के 12:06 पर पहुंचती है और 12:08 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 201 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है TORI। इसके बाद ये ट्रेन जो है लातेहार रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है रात के 12:34 पे और 12:36 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 234 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने अगले स्टेशन भरवाडी जंक्शन में पहुंचती है। यहां पर ट्रेन जो है रात के 1:09 पर पहुंचती है और 1:11 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। डाल्टनगंज में ट्रेन जो है रात के 1:35 पर पहुंचती है और 1:37 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 301 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद रांची बनारस एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो गढ़वा रोड जंक्शन में पहुंचती है रात के 3:30 पर और 3:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है।
334 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है ओंटारी रोड रेलवे स्टेशन पर रात के 3:48 पर पहुँचती है और 3:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 352 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद रांची बनारस एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 4:02 पर पहुँचती है और 4:04 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 364 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। हैदरनगर में ट्रेन जो है सुबह 4:15 पर पहुँचती है और 4:17 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और यहाँ पर सासाराम रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। झपला रेलवे स्टेशन पर सुबह 4:28 पर पहुँचती है और 4:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 382 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद करजात नवाडी रेलवे स्टेशन पर सुबह 4:38 पर पहुँचती है और 4:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 390 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। नबीनगर रोड में ये ट्रेन जो है सुबह 4:48 पर पहुँचती है और 4:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 397 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है NBG। इसके बाद देहरी ऑन सोने में ट्रेन जो है सुबह 5:26 पर पहुँचती है और 5:28 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 433 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद सासाराम जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है सुबह 5:43 पर पहुँचती है और 5:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बीकानेर सियालदा इसी दुरंतो एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है कुद्रा रेलवे स्टेशन पर सुबह 6:03 पर पहुँचती है और 6:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 476 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। बिहार के आखिरी स्टेशन भाबुआ रोड पर ट्रेन जो है सुबह 6:22 पर पहुंचती है और 6:24 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 500 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन उत्तर प्रदेश में ये ट्रेन जो है सुबह 7:50 पर पहुँचती है और 8 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 7 या 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। काशी रेलवे स्टेशन पर सुबह 8:41 पर पहुंचती है और 8:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 566 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है वाराणसी जंक्शन में सुबह 9 बजे पहुँचती है और 9:02 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 572 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद रांची बनारस एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो फाइनली अपने आखिरी स्टेशन बनारस उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, सुबह 9:25 पर पहुंचती है और अपनी 576 किलोमीटर की यात्रा जो है रांची से बनारस तक कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ रांची बनारस एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इस तरह इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।